हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपके साथ। हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया था आप लोगों के साथ। देन हमने आपके पास किया था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है, अभी हमने स्टार्ट करना है, यह वैल्यू दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किन किन चीजों का, किन वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए एक कंपनी को जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। तो देखिए आइए जी क्या क्या वैल्यूज हैं, इन पर बात करें। सबसे पहले हम कहते हैं ये जो हमें वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या वैल्यूज होंगी जो कंपनी ध्यान में रखेगी, यानी कि ऑब्जर्व करेगी जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है जी? अच्छा, वैल्यूज की बात बाद में करें, ये बातें दी कहां पर हैं? अगर वैल्यूज की बात करें या थे क्या करना चाहिए, ये बातें दी हैं हमारे पास सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसका भी सबसेक्शन 1 है, इसमें ये बातें लिखी हैं। तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा गया है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शेल, क्या होना चाहिए वहां पर, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बननी चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें टू द यूजर्स। ठीक है, अब ट्रू यानी चीजें झूठ नहीं होनी चाहिए उसमें कोई भी, ठीक है, फेयर रीजनेबल चीजें होनी चाहिए, उचित चीजें होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर का ये मतलब है। ठीक है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप क्या याद रखेंगे जी? आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पर बन रही है, उसमें कुछ झूठ नहीं लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद दूसरी बात जो है, जो वैल्यूज में आती है हमारे पास, वो है ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बननी चाहिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पालना होनी चाहिए, उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस से ही आ जाते हैं। तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो करने चाहिए स्टार्टिंग टू एंड, रिपोर्टिंग तक के, जहां पे आप एंट्रीज करते हैं वहां से लेकर आपकी रिपोर्टिंग जहां होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, इन्हें आप रिपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वहां तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से फॉलो किए जाने चाहिए? हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट ने नोटिफाई किए हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में, ये सेक्शन 133 का मैंने रेफरेंस नहीं दिया, ये कंपनीज एक्ट का ही है, कंपनीज एक्ट 2013 का ही सेक्शन है। ठीक है, जहां पे नोटिफाइड है ये सेक्शन कंपनीज पर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं जो कुछ कंपनियों पे नहीं लगते, ठीक है, या कुछ सेक्शन है जो सभी कंपनीज पर लगते हैं। जनरली आप अगर शॉर्ट में कहें तो जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे मेजोरिटी सभी सेक्शंस लगते हैं, प्रोवाइडेड वो उन पर एप्लीकेबल हो। ठीक है, यानी कोई चीज ऐसी है जो कर ही नहीं रहे हैं और वो सेक्शन वो एएस या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज के लिए बना है। जैसे एग्जाम्पल लूं कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब मानो एक कंपनी को कैश फ्लो बनानी ही नहीं है, जिन्हें कैश फ्लो बनानी ही नहीं, जरूरी नहीं है, उन्हें क्या वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा? उन्हें नहीं करना पड़ेगा, बट जो भी रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पर अप्लाई होते हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये हमारे वैल्यूज में आता है, ये जरूरी है। इससे क्या है, आपकी कंपनी के अकाउंटिंग में, आपकी कंपनी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक फॉर्म, कुछ फॉर्म्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए। जैसे अगर बात करें तो हमारा शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में दो पार्ट है। पार्ट ए जो है वो बताता है फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या होगा, ठीक है जी, और पार्ट बी जो है वो बताता है कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होगा। वैसे हम इन दोनों शेड्यूल्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं कहूं तो हमारे जो चैप्टर है ये इन्हीं चीजों पर आगे जाके रहेगा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, कहां पर कैसे चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, तो मेन प्रेजेंटेशन पर ये चैप्टर हमारा फोकस करेगा। बट अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए जरूरी है, इसलिए हम उन्हें एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी वैल्यूज हैं। पहला क्या ध्यान देंगे आप, ट्रू एंड फेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या ध्यान देंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया गया हो अकाउंटिंग करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय। और तीसरी बात क्या है जी कि हमारे पास जो हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं उन्हें हमारी कंपनी ने हमने अकाउंटिंग करते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय उन्हें प्रॉपरली प्रिस्क्राइब फॉर्म्स को फॉलो किया हो। जैसे एग्जांपल दिया, हमारे पास शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के लिए है और P&L के लिए भी है। तो शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी तरीके से कंपनीज की बैलेंस शीट और P&L बनेगा। ऐसे नहीं कि सोल प्रोपराइटर का बनता था या नॉर्मल पार्टनरशिप का बनता था, वो फॉर्मेट नहीं चलेगा। अब हमें इस फॉर्मेट में बनाना होगा। इसका कुछ आपने आइडिया पहले ही ले लिया है, हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर आया था, वहां आपको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना होता था बैलेंस शीट में। तो ध्यान दो, हमने एक अलग फॉर्मेट यूज किया था, पुराना वाला बैलेंस शीट का नहीं किया था कि एक एसेट और लायबिलिटीज, एक साइड एसेट है दूसरी साइड लायबिलिटी है, वो वाला फॉर्मेट नहीं किया था। है वही, वो कहूं तो वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट था, ये वर्टिकल फॉर्मेट है P&L के लिए भी बैलेंस शीट के लिए भी। चलिए, तो आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लो, छोटा सा टॉपिक था ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, इसे आप एक बार लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। मेरे ख्याल से स्क्रीन पर पूरा टॉपिक दिख रहा है। अगला हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, आपके पास के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, क्यों बनाई जाती है। चलिए, ठीक है।